ओके, यस अभिनव है ना, निंदिया है ना अभिनव, जसवीर पढ़ो यहां से यहां तक, स्टार्ट रीडिंग। स्टार्ट रीडिंग, रीड, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम कहाँ से? देखो आई एम मार्क हियर, हमारे आंगन में एक ऊंचा पढ़ो। ग, ग हाँ यस हमारा है, उसमें माताजी प्रातः काल स्नान करने के बाद तुलसी में जल डालती है। जल डालकर वे हाथ जोड़कर उसकी परिक्रमा करती है। बाद में उसके पत्ते तोड़कर भगवान को बढ़ाती है। सायंकाल माताजी गमले पर दीपक जलाकर रखती है। वे तुलसी के गमले को लोप पुत कर बड़ा साफ सुथरा रखती है। मैम कॉम्प्लीटेड। ओके वेरी गुड। नाउ अभिनव भाई यू रीड। हमारे आंगन में एक ऊंचा गमला बना हुआ है, उसमें माताजी ने तुलसी का पौधा लगा रखा है। माताजी प्रातः काल स्नान करके के बाद तुलसी में जल डालती है। जल डालकर वे हाथ जोड़कर उसकी परिक्रमा करती है। बाद में उसके पत्ते तोड़कर भगवान को चढ़ाती है। सायंकाल माताजी गमले पर दीपक जलाकर रखती है। वे तुलसी के गमले को लीप पोत कर बड़ा साफ सुथरा रखती है। ओके वेरी गुड। अरित्रिका नाउ यू रीड, सी वेर आई हैव मार्क्ड। ओके मैम, तुलसी का पौधा बहुत बड़ा नहीं होता, यह लगभग 2-3 फुट ऊंचा होता है। इसके बहुत से टहनियां चारों तरफ फैलती है। तुलसी के पत्ते गोलाई लिए हुए और छोटे होते हैं। इसके प्रत्येक डाल पर फूल के एक बार निकलती है, जिसे मंजरी कहते हैं। मंजरी में बड़ी मीठी गंध होती है। जब मंजरी पक कर सूख जाती है, तब बीज नीचे मिट्टी में गिर जाते हैं। वर्षा के दिन में इन्हीं बीजों से सबके छोटे नए पौधे उग जाते हैं। थैंक वेरी गुड अरितिका। तफीम रीड, तफीम यू मैम। यहाँ से पढ़ो। तुलसी, तुलसी से लेकर प्रवेश नहीं करते हैं। तुलसी की पूजा करने के आधार पौराणिक है। इस प्रकार के आधारों पर हम पूजा तथा ईश्वर के प्रति श्रद्धा के और पवित्र होते हैं, प्रवृत्त होते हैं। इससे जीवन में बुरे कर्मों से बचे रहने का संदेश मिलता है। इसके साथ ही तुलसी एक जीवन रक्षक औषधि है। जिस आंगन में तुलसी का पौधा लगा होता है, वहां रोग के कीटाणु प्रवेश नहीं करते हैं। वेरी गुड। मैम ओके तन्वीर, कंप्लीटेड। वेरी नाइस। ओके तन्वीर, जस्ट वेट मैम तन्वीर, वेट मम्मा वेट वेट, टर्न द पेज। यस रीड फ्रॉम हियर, यहां से लेकर मिलता है तक पढ़ो। जुकाम और खांसी जुकाम और खांसी होने, होने पर तुलसी की
तुलसी की पत्तियों की चाय चाय पर लाइक लेन लेना चाय पी लेना चाय पी लेना गुणकारी चाय पी लेना गुणकारी होता है पारी होता है जर से को तुलसी जर से पीड़ित बोलो जर ज्वर से ज्वर ज्वर बुखार ज्वर से बोलो मेरे साथ बोलो ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति को तुलसी की पत्तियां की पत्तियों का सेवन सेवन कराने सेवन करने कराने से लाभ लाभ मिलता है। ओके ओके तनवीर प्रैक्टिस रीडिंग ओके तनवीर रीड करने की बार बार घर में खुद पढ़ो और प्रैक्टिस करो ठीक है जितना रीड करोगे तो ओरली अच्छे से बोल पाओगे। ओके अहर्निश नाउ यू रीड ऑलवेज मेक द हैबिट ऑफ रीडिंग ओके। हेलो मैम यस यस आई एम रीडिंग। जुकाम और खांसी होने पर तुलसी की पत्तियों को चाय पी लेना गुणकारी होता है। जवर में पीड़ित व्यक्ति को तुलसी की पत्तियों का सेवन कराने से लाभ मिलता है। तुलसी की पत्तियां तुलसी दल कहलाती है। इस बारे में बिस्तर में जानने के लिए किसी डॉक्टर वैद्य या हकीम में हकीम से मिलना वे आपको बताएंगे कि तुलसी दल पर शहर लगाकर सेवन करने से कंठ अधूर हो जाता है तथा शक्ति भी आती है। भारत के लोग तुलसी ओके 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 अनिश वेरी गुड ओके नाउ आर्या मैम आर्या रीड लिसन टू मी। हेलो मैम लिसन टू मी मैम भारत के लोग तुलसी के प्रति इतना आदर और श्रद्धा रखते हैं कि यदि उन्हें तुलसी दल लेना होता है तो वे सायंकाल तुलसी से प्रार्थना करते हैं। तुलसी देवी मैं या मेरे संबंधी बीमार है उसके उपचार के लिए कल प्रात मुझे दो पत्तियों का दान दे देना। मैं नहा धोकर पवित्र मन से आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। वेरी गुड कंप्लीट वेरी गुड आर्या वेरी गुड सेरिन रीड यहाँ से सेरिन प्रातः काल से लेकर करते हैं ठीक है मैम। पत्तिया काल प्रातः काल होने पर लेता है उसके बाद
बहू सभी संभल कर पत्तियां तोड़ता है। हाँ, तोड़ता है। वह ध्यान रखता है। पौधा भी दो तुलसी सूखी डालियों के गोल से बनी माला बना कर पहनते हैं तथा मस्तों का जाप करते हैं। ओके सेरिन, कीप द हैबिट ऑफ रीडिंग। ओके ऑलवेज कीप द हैबिट ऑफ रीडिंग। अद्रिजा रीड। यहाँ पढ़ो अद्रिजा, ऐसा कहा जाता है सिलेक्ट चाहिए। ओके मैम, ऐसा कहा जाता है कि बिच्छू के काट डंक और सांप के काटने से तुलसी अच्छी दवा है। तुलसी को लोग माता के समान पूछते हैं। यह तुलसी में जल डालती है। वेरी गुड। उसके बाद पढ़ो जल से लेकर रखिए तक। जल डालकर हाथ जोड़कर उसकी परिक्रमा करती है। बाद में उसके पत्ते जोड़कर भगवान को चढ़ाती है। सायंकाल गमले पर दीपक जलाती है। वे तुलसी के गमले को लिप पोत कर बड़ा साफ सुथरा रखती है। यस यस मैरी, वेरी गुड। ओके मैम कंप्लीटेड। वेरी गुड, वेरी नाइस। सप्ताह पन्ना रीड। तुलसी से लेकर उग जाते हैं। सप्ताह पन्ना रीड। अनम्यूट योरसेल्फ सप्ताह पन्ना। मैम नाउ कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू। रीड। तुलसी का पौधा बहुत बड़ा नहीं होता, ये लगभग 2-3 फुट ऊंचा होता है। उसकी बात सी टोनिया चारों तरफ फैलती है। तुलसी के पत्ते Some noise is coming. ओके नाउ यू रीड। तुलसी के पत्ते गलाई लिए हुए और छोटे होते हैं। इसकी पत्ते डाल पर फूलों की एक बाल निकलती है जिसे मंजोरी कहते हैं। मंजोरी में बड़ी मीठी गंध होती है। जब मंजोरी पककर सूख जाती है तब बीज नीचे मिट्टी में गिर जाते हैं। वर्षा के दिनों में इन्हीं बीजों से सैकड़ों छोटे नए पौधे उग जाते हैं। ओके वेरी गुड सप्तपर्णा।
वेल डन, वेरी नाइस। अरियन रीड, अरियन तुलसी से लेकर प्रवेश नहीं करते हैं तक पढ़ो। ओके मैम। तुलसी की पूजा करने का आधार पौराणिक है। इस प्रकार के आधारों पर हम पूजा तथा इस बार के प्रति श्रद्धि की और प्रवृत्त होते हैं। इसे जीवन में बुरे काम रहने का संदेश मिलता है। इसके साथ ही तुलसी एक जीवन रक्षक औषधि भी है। जिस अंग में तुलसी का पौधा लगा होता है वो रोग के कीटाणु प्रवेश नहीं करते है। I'm completed. Okay, very good, Aryan. Yes, Shahzad, read. Yes, ma'am. Shahzad, read. Just wait, Shahzad. Ma'am, from here. Okay, zukam se lekar milta hai tak padho. Zukam se lekar milta hai. Okay, ma'am. जुकाम और खांसी होने पर पढ़ो मैम, होने पर तुलसी की पत्तियों की चाय पी लेना गुणकारी होता है। हकीम से मिलना, वह आप बताएंगे कि तुलसी दल पर सदा लगाकर सबे करने से उत्तर मधुर हो जाता है तथा में आती है। ओके, वेरी गुड। द चिल्ड्रन लिसन टू मी, व्हाट यू विल डू, यू विल ऑलवेज मेक द हैबिट ऑफ रीडिंग। ओके, द मोर एंड मोर यू विल रीड, the more your reading skill will improve. Okay, so it is only for you I'm saying, always make the habit of reading. Okay, now children.